Assalamu alaikum and welcome. I am Aisha Naz, digital marketer and online IT trainer. VEON series का आज 6th lecture है. आज के इस lecture में हम देखेंगे कि VEON ही से हम कुछ templates उठाएंगे और उनमें थोड़ी बहुत changing करके हम एक professionally video create करेंगे बहुत कम time में. So time waste किए बगैर आज की video हम start करते हैं. आज की video थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बट आज की वीडियो जब हम क्रिएट कर लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं. और ये जो लेक्चर है ये थोड़ा सा लंबा ज़रूर है बट इन्फॉर्मेटिव बहुत होने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, चूज टेम्पलेट पे जाती हूँ और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि प्लेंटी ऑफ टेम्पलेट्स आपको दी हुई हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक स्टोरी टाइप कुछ चीज़ें क्रिएट करूँगी सीन्स को यूज़ करते हुए जो कि हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है. सो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, तो यहाँ पे जो टेम्पलेट्स हमारे पास मौजूद हैं उनको यूज़ करते हुए मैं एक वीडियो क्रिएट करूँगी. सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं जी बेडरूम का सीन. सो यहाँ पे बहुत सारे सीन्स आ गए हैं हमारे पास बेडरूम के रिलेटेड. सो आई एम गोना यूज़ दिस वन. इसको मैं डिलीट कर दूँगी यहाँ से. ओके, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ. और यहाँ पे प्रॉप्स में जाके अलार्म देखेंगे अगर यहाँ पे मौजूद है. सो अलार्म यहाँ पे नहीं है. क्लॉक लिखते हैं हम यहाँ पे. सो यहाँ पे ये अलार्म हमारे पास मौजूद है. ओके, दैट इज सूटेबल. ये ठीक है, इसको यहाँ पे रखेंगे और छोटा कर लेंगे, समथिंग लाइक दिस. ओके, सो अब जो अलार्म है इसके लिए मैं वॉइस ऐड करूँगी. सो ऑडियो में जाएंगे और ये वॉइसेस हैं. यहाँ पे जाके मैं लिखूँगी अलार्म. सो चेक कर लेते हैं. ओके, दिस वन ये अच्छा लग रहा है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं. और इसी सीन को मैं कंटिन्यू करूँगी, लास्ट सीन. ठीक है जी, और ये जो एक लेडी सोई हुई है इनको क्या करेंगे, एक्शन दे देंगे वॉकअप का. सॉरी, ये बेटर लग रहा है. और इस सीन को थोड़ा सा मैं छोटा करती हूँ और इसको भी थोड़ा सा दिस वन. अब मैं इसको प्ले करके देखती हूँ. वेरी नाइस. अब इसी सीन को हम कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट सीन हम डालेंगे इसमें कि ये जो लेडी हैं ये ऑफिस जा रही हैं. सो ऑफिस के रिलेटेड यहाँ पे हम कोई टेम्पलेट देख लेते हैं. अगर हमें कोई सूटेबल टेम्पलेट मिलती है देन वेल एंड गुड. ओके, दिस वन ये टेम्पलेट मुझे अच्छी लग रही है. सो इस टेम्पलेट के लिए दोबारा से मैं वॉइस यूज करूंगी. क्राउड इनको भी हम लोग देख लेते हैं. आई थिंक सेकेंड वन इज बेटर.
डेटा, सो ये चूज कर लेते हैं। सो अब क्या करेंगे कि ये हम साउंड सुन लेते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस। अब यहाँ तक हम इसको स्प्लिट कर देंगे और ये नेक्स्ट जो हमारे पास साउंड है इसको हम डिलीट कर देंगे। ओके सो इस सीन में हम ये दिखा रहे हैं कि पहले ये लेडी सोई हुई थी और फिर उसके बाद ये ऑफिस पहुंची हैं। अब हम नेक्स्ट इस सीन में ये दिखाएंगे कि ये ऑफिस के बाद क्या करती हैं। तो ये ऑफिस के बाद यहाँ पे हम एक सीन मजीद सर्च आउट करेंगे रोड के नाम से। इनमें से ये वाला सीन ले लूंगी मैं। और इस सीन में मैं थोड़ी सी चेंजिंग करूंगी। प्रॉप्स में जाके हम सर्च आउट करेंगे कार। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूंगी लाइक दिस। इसके बाद मजीद हम यहां से चीजें ले सकते हैं। टैक्सी लिखूंगी यहां पे। ओके सो ये ले लेते हैं यहाँ पे और इसके अलावा ये। गुड सो इसको मैं मिरर कर लूँगी और यहाँ पे छोटा कर दूँगी इसको इधर से और इसको मैं मज़ीद छोटा करूँगी और यहाँ पे रखूँगी इसको। ठीक है। और करेक्टर हमारा जो है यहाँ से ये करेक्टर ले लेती हूँ मैं। ठीक है। और ये करेक्टर इनको मैं मज़ीद छोटा कर देती हूँ लाइक दिस। तो ये इतना छोटा भी नहीं करना है कि आपका करेक्टर नज़र ही ना आए, बट इनको इतना छोटा कर लेते हैं और इनको बैक पे ले जाते हैं बैकवर्ड। इसको मैं फ्रंट कर देती हूँ। ठीक है। अब इनको मैं मोशन पाथ दे देती हूँ। ठीक है जी। मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ तक चलती हुई जाए और इस गाड़ी को मोशन पाथ दे देते हैं दूसरी तरफ। और इसको मैं उठा के थोड़ा सा आगे करना चाहूँगी लाइक दिस। और इसके बाद ये एक टैक्सी जो है इसको मैं यूं ही इधर प्लेस करना चाहूँगी। ठीक है। और इसके बाद इस टैक्सी को मैं चाहूँगी कि ये टैक्सी यहाँ से आए और जहाँ पे लेडी खड़ी हैं वहाँ पे आके रुके, सॉरी इस तरफ हम इसको देंगे, और जहाँ पे लेडी खड़ी हैं वहाँ पे आके ये स्टॉप हो। ओके यहाँ पे। बल्कि लेडी जो है उनको हम थोड़ा सा आगे कर लेंगे लाइक दिस। ओके अब यहाँ पे मैं साउंड ऐड करूँगी कार के लिए। बेटर लग रहा है, इसको यूज करेंगे और इसको मैं इतना कर लूंगी। ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से प्ले करती हूँ और देखते हैं साउंड इफेक्ट्स कैसे लग रहे हैं हमारे। सो यहाँ पे हमारी एक छोटी सी मिस्टेक हमें नजर आई है, सो मैं उसको करेक्ट कर लेती हूँ। इसको हम डिलीट कर देंगे और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से लेके चलूँगी, यहाँ से यहाँ तक।
ठीक है, और प्रॉप्स में जाके ये एक बस ले लेंगे और इसको हम छोटा कर देंगे लाइक दिस, ठीक है। और छोटा करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम मोशन पाथ दे देंगे, ओके लाइक दिस, ओके। सो इसको मैं दोबारा से प्ले करती हूँ। वेरी नाइस। सो अभी एक चीज़ की ज़रूरत मुझे मज़ीद पेश आ रही है कि इसको मैंने फ्रंट पे रखना है, ठीक है, ताकि ये जब चले गाड़ी तो जो हमारा करैक्टर है, ठीक है, हमारा करैक्टर गाड़ी के पीछे नज़र आए। सो परफेक्टली तरीके से हमने अपना ये जो सीन है वो क्रिएट कर लिया है। मैं ये दोबारा से आपको फ्रंट से मतलब फर्स्ट सीन से दिखाती हूँ। ओके, वेरी नाइस। अब हम क्या करेंगे कि हम इसके बैकग्राउंड म्यूज़िक, जिस तरह से इसका किसी भी वीडियो में यूज़ होता है, तो यहाँ पे हम कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक ले लेंगे, ठीक है जी। सो ओके, ये अच्छा लग रहा है म्यूज़िक। सो इसकी सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाके इसका वॉल्यूम कर देंगे हम 10%, ठीक है, वॉल्यूम कम कर देंगे लाइक, ठीक है जी। और यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट करके एक्स्ट्रा को हम डिलीट कर देंगे। ओके, सो अब दोबारा से इसको मैं प्ले करती हूँ। सो रिजल्ट्स देखते हैं क्या आते हैं। सो आपने देखा कि कितने कम टाइम में हमने इतनी प्रोफेशनल वीडियो तैयार कर ली है वीऑन के टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए। और वीऑन ने एक जो नया फीचर लॉन्च किया है, बहुत ज़बरदस्त फीचर है इनका, म्यूज़िक के साथ साथ साउंड इफ़ेक्ट का फीचर, उसको यूज़ करते हुए हमने बहुत ज़बरदस्त अपनी जो वीडियो है उसको प्रोफेशनल लुक दिया है। सो इस लेक्चर की आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मज़ीद अपनी स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।